hello good morning my students champions and uh, I think you are being well so <clears throat> keep studying, study keep learning so we are here to do uh, to discuss today ncrt solution class 10 economics it is part 2 and in part 2 we will discuss the first relation uh, फर्स्ट लेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन आज हम क्वेश्चन करेंगे इसका एक पार्ट हो चुका है पहले ही ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं और आई विल ट्राई टू कम्प्लीट इट इन दिस वीडियो हम इसको दूसरे लेक्चर में यानी आज जो है जो रेस्ट ऑफ पॉइंट बचा हुआ था पहले पहले लेशन से संबंधित उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वाई डू बी यूज एवरेजेस हम एवरेज यानी औसत का क्यों प्रयोग करते हैं या औसत को क्यों निकालते हैं आर देयर एनी लिमिटेशन टू देर यूज क्या एवरेज को यूज करने का कोई लिमिटेशन है लिमिटेशन का मतलब लिमिट है ठीक है लिमिट का मतलब आ, क्या एक सीमा है इलेस्ट्रेट विथ योर ओन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट अपने उदाहरण के साथ ठीक है जो उदाहरण डेवलपमेंट से संबंधित हो उसको इलेस्ट्रेट करिए समझाइए व्याख्या करिए एंसर वी यूज एवरेज बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन हम एवरेज का यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग पॉपुलेशन होती है दे डोंट हैव सेम पॉपुलेशन द पॉपुलेशन ऑफ दो कंट्रीज और डिफर्स डिफर सो कैल्कुलेटिंग द एवरेज हेल्प इन गेटिंग एन एस्टिमेटेड आंसर विच कैन बी यूज टू कंपेयर डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट लेवल वाई डू वी यूज एवरेज एवरेज इज दीमेशन इज द इसमेसन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट लेवल वी यूज कैलकुलेटिंग जो है कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं ठीक है कि कैलकुलेशन से हम अपने इस्टीमेटेड क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त कर सकते हैं जो डिफरेंट लेवल पे किए जाते हैं अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग लेवल पर जो किए जाते हैं उसको हम प्राप्त करते हैं और कंपेयर कर सकते हैं ठीक है कंपेयर कर सकते हैं देयर आर लिमिटेशन टू कैलकुलेटिंग एवरेज एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए लिमिट है कुछ सीमाएं हैं बिकॉज दिस डज नॉट गिव एनी about अबाउट distribution. क्योंकि यह डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कोई भी सूचना हमको नहीं देता कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती ठीक है यानी जो पीपल के बीच में किसी कंट्री के पीपल के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी वस्तु की उसकी कोई सूचना हमको नहीं मिलती एवरेज से कोई सूचना हमको नहीं मिलती ठीक एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखें फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ टू कंट्रीज ए एंड बी विथ फाइव पीपल ईच ठीक है हम दो कंट्री लेते हैं ए और बी और इसमें पांच पांच लोगों की या पांच पांच परिवारों को लेते हैं और अगर इन परिवारों की पर कैपिटा कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा ठीक है द सैलरी ऑफ फाइव पीपल इन ए कंट्री इन कंट्री ए इज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड और मान लो जो ए में पांच परिवार के लोग हैं रहने वाले हैं ठीक है पांच लोग हैं कंट्री ए में उनका जो एवरेज है सैलरी है ठीक वो तेईस हज़ार रुपये है तेईस हज़ार बाईस हज़ार है फिर तेईस हज़ार पाँच सौ है अट्ठाईस हज़ार है ठीक है और पच्चीस हज़ार रुपये है एंड द इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री बी आर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फोर थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यानी और जो बी में है उन पांच लोगों की जो सैलरी है वह डेढ़ लाख है बाईस हज़ार है पचास हज़ार है चार हजार है पच्चीस सो द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री ए विल बी ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड जो एवरेज इनकम है कंट्री ए का वो कितना हो जाएगा चौबीस हजार तीन सौ मतलब आप जो है तेईस हजार बाईस हजार तेईस हजार पाँच सौ अट्ठाईस हजार इन सबको आप एड कर सकते हैं पच्चीस हजार को और फाइव से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा चौबीस हजार तीन सौ एंड देट कंट्री बी विल बी फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड और जो कंट्री बी है उसका जो एवरेज पांचों लोगों का निकालेंगे कंट्री बी का तो उसमें हमको कितना मिलेंगे इन पांचों को ऐड करने के बाद ठीक है पच्चीस हजार सात सौ दिस प्रूव्स दैट द एवरेज ऑफ कंट्री ए कंट्री बी इज हायर देन दैट ऑफ कंट्री ए मतलब ये कंपेयर करने के लिए एक दूसरे का एक दूसरे देश से कंपेयरमेंट करने के लिए किया गया है कि इससे साबित हो जाता है कि कंट्री ए से कंट्री बी का एवरेज ज़्यादा है एंड येट देयर इज ए डिस्पैरिटी इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री बी एंड द इनकम इज इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंट्री बे कंट्री ए तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि जो कंट्री ए है कंट्री बी है उनके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटी है भिन्नता है अलगाव है मतलब दोनों जगह पर एक समान कोई सैलरी नहीं मिल रही है तो यह है जो है एवरेज तो एवरेज से हम जो एवरेज निकालते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमको किसी इंडिविजुअल का सहारा लेना पड़ेगा ठीक है प्रत्येक का निकालना पड़ता है क्वेश्चन नंबर सेवन इन क्वेश्चन नंबर सेवन विटर्न इन केरला लोअर पर कैपिटल इनकम केरला जिसकी uh, पर कैपिटल इनकम कम है यानी प्रति व्यक्ति आय कम है बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग पंजाब वो पंजाब की अपेक्षा यानी पंजाब में ठीक है पंजाब में जो पर कैपिटल इनकम है वो केरल से ज्यादा है लेकिन पंजाब की अपेक्षा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कहाँ का अच्छा है केरल का है इनकम इज नॉट यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पर कैपिटल इनकम है वह एक यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है ठीक है और यह जो है दो राज्यों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत है तो डिस्कस यस पर कैपिटल इनकम इज नॉट ए यूजफुल क्राइटेरिया एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स फॉर द रीजन रीजन्स मैं ठीक है तो निम्न कारण है जिससे पर कैपिटा इनकम को कंपेयर नहीं किया जा सकता है दो स्टेट या स्टेट्स के बीच में वाई ऑप्शन नंबर ए मीन्स पॉइंट नंबर ए द लिटरेसी रेट इन फेंट रेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा आर बेटर इन केरला इन कंपेरिजन टू हरियाणा ठीक है हरियाणा और पंजाब यहाँ पे आप पंजाब कर सकते हैं पंजाब कर लीजिएगा पंजाब पंजाब हरियाणा लिटरेट लिटरेसी रेट यानी जो केरल का लिटरेसी रेट है इन्फेंट मोर्टेलिटी है यानी शिशु मृत्यु दर रेट है हेल्थ केयर फैसिलिटी है ये सब ठीक है केरल में हरियाणा या पंजाब की अपेक्षा कम है ठीक हाँ तो पॉइंट नंबर एक हो गया क्योंकि जो है पर कैपिटल इनकम में ये सब कैलकुलेट uh, नहीं होता है द पर कैपिटल इनकम इज ओनली कैलकुलेटेड बाई कैलकुलेटिंग एवरेज इनकम में जो है उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के ठीक है प्रत्येक लोग जो कमाते हैं उनके उनके टोटल को करके समअप करके निकाला जाता है एवरेज होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर और यह जो है दूसरे अदर फैक्टर से इरेस्पेक्टिव है यानी आप जो है इसकी तुलना के लिए उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं रिस्पेक्टिव नहीं सिमिलरली इन स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल इसी तरह से कुछ स्टेट में कुछ राज्यों में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ठीक है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है सर्टेनली लाइकली टू बी और जो हेल्थ है, uh, uh, है उस राज्य के लोगों की वह दूसरे राज्य जैसा ही है ठीक है तो इसमें भी पर कैपिटल इनकम ठीक पर कैपिटल इनकम इंक्लूड नहीं हो रहा है नेक्स्ट डी मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल ठीक है आपके जीवन को अच्छे से जीने के लिए आपके पास पैसा अगर है तो वह सभी वस्तुओं सभी सर्विसेज को खरीद नहीं सकती है यानी धन से हर कोई चीज खरीदा नहीं जा सकता ठीक इनकम बाय इट इज नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्यूट इंडिकेटर ऑफ मैटीरियल गुड्स एंड सर्विसेस यानी धन से केवल आप मैटीरियल मैटेरियलिक गुड्स और मैटेरियलिक सर्विसेज को भी खरीद सकते हैं बाकी सुकून नहीं खरीद सकते द बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ केरला इज ड्यू टू एडिक्वेट बेसिक हेल्थ जो केरल में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अनुसार केरल केरल जो है बेटर पोजीशन पे है क्यों बेटर पोजिशन पे है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वहाँ बेसिक हेल्थ मिलता है एंड एजुकेशनल फैसिलिटी और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में शिक्षा की उपलब्धता है मोर एवरेज इनकम मीन ऑल पीपल हैव एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज यानी अगर किसी राज्य में जो है एवरेज इनकम ज्यादा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पर जो है जो लोग हैं वो बेसिक फैसिलिटीज बड़े आसानी से उपलब्ध पाते होंगे यानी उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज आसानी से उपलब्ध होंगी देयर कैन बी ह्यूज डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकॉज विच पंजाब हैज़ ए लोअर रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है इस तरह से आप कह सकते हैं कि पंजाब में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पंजाब की रैंकिंग लोअर है क्यों क्योंकि वहाँ पर जो है लोगों के पास या पर कैपिटा इनकम ज्यादा तो है लेकिन जो बेसिक हेल्थ है ठीक है वह अच्छा नहीं है है उसमें ठीक, वो जो है केरल की अपेक्षा कम स्तर पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसमें जो पूछा गया है ठीक है कि आ, वहां पर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में पंजाब की अपेक्षा केरल बेस्ट है और पंजाब लोअर स्तर पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया व्हाट वुड बी व्हाट कुड बी द बेटर पोजिशन पॉसिबिलिटीज फिफ्टी इयर्स फ्रॉम नाउ फाइंड द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भारत में जो है लोगों का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है प्रेजेंट समय में ठीक है उसको आपको बताना है व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज फ्रॉम नाउ, और आज से पचास वर्ष बाद या आज से पचास वर्ष बाद दूसरे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कैसे रहेंगे क्या हो सकते हैं द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया आर कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस क्रूड ऑयल फायरवुड उड एक्सेट्रा यानी जो यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत है भारत के प्रेजेंट समय में ठीक है वो क्या है कोयला है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है क्रूड ऑयल यानी क्रूड ऑयल है क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल फायरवुड है और जलाने वाली लकड़ियाँ हैं इत्यादि दीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है मतलब एक बार समाप्त हो गई तो फिर से ये नहीं क्रिएट की जा सकती दे आर लिमिटेड इन नेचर ये जो है लिमिटेड हैं प्रकृति ने इनको लिमिट में दिया है वो ज्यादा नहीं है इफ ओवर यूज दे कैन बिकम एक्सास्टेड एंड इफ बी यूज देम अलाट इन अमाउंट दे कैन दे कैन यू कैन से जो है समाप्त हो सकती हैं, ठीक

अब लोगों ने जो है नन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करना शुरू कर दिया है फिफ्टी ईयर्स फ्रॉम नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट पीपल बी विल मेकिंग मोर यूज ऑफ नन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आज से पचास वर्ष बाद आप देखेंगे कि लोग जो है ऐसे ऊर्जा के स्रोत को खोज रहे हैं जो नष्ट नहीं होगा जैसे कि यानी जिसको समाप्त नहीं किया जाएगा मतलब जो समाप्त नहीं होगा लिमिट नहीं रहेगी लाइक टाइडल एनर्जी जो ज्वार भाटा से संबंधित एनर्जी उत्पन्न की जाती है सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी है सौर ऊर्जा से विंड एनर्जी वायु ऊर्जा या आप उसको जो है विंड एनर्जी के रूप में ही जानिए ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द करेंट यूजेस ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ दीज सोर्सेस फॉर फ्यूचर जनरेशन ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो जो करंट सोर्सेज हैं ठीक है जो करंट सोर्सेज हैं वो हमारे फ्यूचर uh, के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए समाप्त हो जाएंगे तो हम इसलिए सोलर एनर्जी टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये वही उसके रूप में सब्स्टिट्यूट uh, होंगे ठीक है उसका एक विकल्प होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन वाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए सतत यानी सततता क्यों आवश्यक है यानी कंटिन्यूटी क्यों आवश्यक है क्यों हमें जो है डेवलपमेंट uh, सतत करना चाहिए ठीक है विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज एन अप्रोच टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट मतलब हम बिना इन्वायरमेंट को क्षति पहुँचाए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बिना इन्वायरमेंट को कोई क्षति पहुँचाए यदि हम सतत विकास करते हैं या कर सकते हैं तो उससे हमें एक अप्रोच मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यानी किसी देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा अप्रोचिंग होगा द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टू इंकरेज द काइंड ऑफ ग्रोथ एंड मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इशूज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टू इंकरेज द काइंड ऑफ ग्रोथ अगर किसी देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सतत विकास जो लक्ष्य रखे गए हैं वह किसी देश में जो इन्वायरमेंटल इशू है उसको कम करता है और उस देश के लोगों के अंदर करेज इनकरेज होता है यानी जो है मतलब साहस बढ़ता है अब आप समझ सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि हमारे देश में सतत विकास हो ठीक है और ये अच्छी चीज़ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं पर्यावरणीय जो ह्रास वगैरह हो होता है उसको मिनिमाइज करता है कम करता है विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ़ द एटमोसफेयर फॉर फ्यूचर जनरेशन टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द करेंट जनरेशन टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द करेंट जनरेशन मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए uh, जो है एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें जो करेंट जनरेशन के लिए जो चीज़ें उपलब्ध हैं क्वालिटी है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना होता है फॉर ग्रोथ जैसे कि फॉर ग्रोथ द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज रिलेवेंट जैसे विकास के लिए आ, मतलब जो ग्रोथ है उसके लिए द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज रिलेवेंट ठीक है सतता एक महत्वपूर्ण कारण है रिलेवेंट है बिकॉज इट डिमांड्स दैट रिसोर्सेज रिजर्व्स क्योंकि यह डिमांड करता है कि जो रिसोर्सेज रिजर्व की गई हैं जो स्रोत संरक्षित किए गए हैं रिजर्व किए गए हैं पहले से आरक्षित हैं इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं एग्जॉस्टिबल नेटल रिसोर्स जिसमें जो है खत्म होने वाले प्राकृतिक और जो है एन्वायरमेंटल रिसोर्सिस हैं बी मेंटेन्ड उनको मेंटेन करने की आवश्यकता है इसलिए रिलेवेंट है रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट बिकॉज ऑफ ओबर यूज ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज एक्सास्टेड हाल ही के अध्ययन से पता चला है ठीक है कि जो ग्राउंड वाटर है भारत में उसके ओवर यूज होने के कारण ठीक जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो रहा है खत्म हो गया है एग्जास्ट हो गया है इट्स ग्राउंड वाटर सप्लाईज आर ओवर यूज बाय वन बाई थ्री ऑफ द पॉपुलेशन और भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका एक बटा तीन हिस्सा ग्राउंड वाटर का ही प्रयोग करता है यानी भूमिगत जल का ही प्रयोग करता है ठीक है तो इसलिए ये सारे कारण हैं सतत सतत डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर टेन है क्वेश्चन नंबर टेन द अर्थ द नीड्स ऑफ ऑल पृथ्वी में सभी के लिए जो है या पृथ्वी के भीतर सभी के लिए रिसोर्सेस उपलब्ध हैं जितने भी नीडिंग की अवसर नीड्स हैं लोगों की सब कुछ उपलब्ध है बट नॉट एनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन लेकिन किसी के लालच को या किसी लालची व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी पर्याप्त नहीं यानी सबको जिलाने खिलाने के लिए पृथ्वी के पास भंडार मौजूद हैं लेकिन कोई लालची व्यक्ति जो है लालच अगर किसी के मन के भीतर है तो उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है यानी लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं हाउ इज दिस स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट यह डेवलपमेंट से संबंधित स्टेटमेंट कैसे रिलेवेंट करता है किस तरह से आप समझते हैं कि ये रिलेवेंट चीज है डिस्कस डिस्कस करना है इसके बारे द स्टेटमेंट द अर्थ हैज एनफ रिसोर्स टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट एनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन ये जो वाक्य है कि पृथ्वी ठीक है पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके जीवित रहने के लिए या उनके जीवन को चलाने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं सारे uh, मौजूद हैं बट किसी लालच व्यक्ति को, को सेटिस्फाई करने के लिए लालची व्यक्ति को करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है इस कंप्लीटली रिलेवेंट या पूरी तरह से रिलेवेंट है सही है इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री ठीक है किसी देश के विकास के लिए या किसी देश के विकास से संबंधित अगर इस बात को देखें तो ये पूरी तरह से सही है डेवलपमेंट रिसोर्स और डेवलपमेंट ये जो है हैंड इन हैंड चलते हैं ठीक है फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट द मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी क्रूशियल मतलब किसी देश में अगर सस्टेनेबिलिटी है डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो रिसोर्सेज का मेंटेनेंस बहुत ही कठिन है वेरी क्रूशियल है इंपॉर्टेंट है क्रूशियल इंपॉर्टेंट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल जितने भी नेचुरल यानी प्राकृतिक स्रोत है नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं अर्थात उन्हें हम नवीनीकरण के माध्यम से फिर से नहीं प्राप्त कर सकते एंड विल एग्जॉस्ट फ नॉट यूज कॉशियसली और यदि उनको सीमित मात्रा में या ध्यान से प्रयोग नहीं किया गया उनका तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे देर फॉर देर फॉर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू यूज देम ओनली टू मीट देअर नीड्स इसलिए लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके प्रयोग वे सीमित मात्रा में करें एंड नॉट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड और ना कि वे अपने लालच को सैटिस्फाई है लालच को पूरा करने के लिए करें इफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड वाइजली नाउ फ्यूचर जनरेशंस मे नॉट बी एबल टू यूज देम टू मीट देयर नीड्स एंड विल अल्टीमेटली अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डाउनफॉल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑफ अ कंट्री तो अगर आज हम लोग यानी आज के लोग यदि नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं करते हैं ठीक है यानी वाइजली नहीं करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन यानी जो आने वाली जनरेशन है वह उन नेचुरल रिसोर्सेस को समझेगी नहीं जानेगी नहीं उनका यूज ही नहीं पहचानेगी क्यों क्योंकि और अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डाउनफॉल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी ठीक है उसका यही परिणाम होगा कि वो डेवलपमेंट वो कंट्री करती हुई जो है वो अनडेवलपमेंट में आ जाएगी क्वेश्चन नंबर अलेवन है लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रीडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू कुछ ऐसे उदाहरण लिखिए ठीक है जो एनवायरमेंट को डिग्रेड करते हैं आपके आसपास के क्षेत्र में जो आपने देखा हो डिग्रेड का मतलब है राश सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द एरिया आर एज फॉलोस कुछ हैं जो उदाहरण हैं जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को करते हैं हमारे क्षेत्र में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सबसे पहली बात जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पॉल्यूशन है उनको हम लिस्ट करते हैं है ठीक वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं ठीक है देयर इज एन इंक्रीज इन वाटर पोल्यूशन ड्यू टू शॉप्स एंड स्मॉल फैक्ट्रीज इन द एरियाज जो आवासीय क्षेत्र हैं, जैसे कि शहर वगैरह हो गए उसमें जो छोटे फैक्ट्री यानी नगर वगैरह हो गए छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं छोटे छोटे दुकान होते हैं ये जो है वाटर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं यानी इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहे हैं इफ वी वांट टू स्टॉप देम इफ वी वांट टू स्टॉप द वाटर पोल्यूशन और एनी काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन element, then they have to make aware the people, so they uh, do not use such type of such type of things or objects, which are the cause to uh, cause to uh, pollute the water or air. मतलब हमें उन लोगों से उन लोगों को aware करने की आवश्यकता है कि वो इस तरह की वस्तुओं को ना use करें या कम use करें, जो हमारे पानी को और हवा को pollute करते हैं. There is there is noise pollution due to the use of loud speakers at night and blowing blowing and the blowing of horns horns unnecessarily on the roads by different vehicles रात के समय में लाउड स्पीकर का यूज करना और सड़क पर बिना कारण व्हीकल्स द्वारा मींस जो है वाहनों द्वारा बिना कारण बिना आवश्यकता के हॉर्न बजाना नॉइज़ पोल्यूशन को दर्शाता है नॉइज़ पोल्यूशन द पीपल थ्रो गार्बेज व्हेयरएवर दे वांट और जो जनता है लोग हैं वो जहां भी पाते हैं कूड़ा फेंक देते हैं परहैप्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर डस्टबिनस इन द स्ट्रीट्स और रोड साइड शायद जो है रोड साइड यानी सड़क के किनारे और गलियों में डस्टबिन की कोई व्यवस्था नहीं होगी इसीलिए वो ऐसा करते हैं बट ऐसा नहीं है लोग डस्टबिन तक जा, जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं कभी कभी लोग जो है ओपन में पेशाब वगैरह कर देते हैं ऑन द रोड साइड डू टू लैक ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस ठीक है uh, म, मतलब बिना जनता के जनता को सोचे हुए और जनता कि कन्वीनियंस सुविधा के बारे में सोचे हुए सड़क के किनारे खड़े होते हैं और यूरिनेट कर देते हैं ठीक तो दिस आल्सो पोल्यूट द एनवायरनमेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फॉर ईच ऑफ द आइटम्स गिवन इन टेबल वन पॉइंट सिक्स फाइंड आउट विच कंट्री इज एट दिच इज एट बॉटम यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है ठीक है और कौन सी कंट्री टेबल के हिसाब से कौन सी कंट्री किसमें टॉप में है और कौन सी बॉटम बौ, में है कंट्री नेम ऑफ द कंट्री हियर ग्रास नेशनल इनकम जीएनआई पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं uh, 2011 पीपीपी पी ट्रिपल पी एंड इन डॉलर दिया है जो ग्रास नेशनल इनकम है किसी कंट्री की ठीक है 2011 के अनुसार लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 2017 2017 2017, 25 जो 25 वर्ष या उससे ज्यादा की अवस्था के हैं और पढ़े लिखे हैं एस डी आई रैंकिंग इन दर्ल्ड अकोर्डिंग टू थाउजेंड एटीन और दो हजार अठारह वर्ष के अनुसार जो विश्व में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है उसके अनुसार कौन सी रैंकिंग दी गई श्रीलंका श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति जो कमाता है अलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स एंड जो एक्सपेक्टेंसी लाइफ है ठीक है एक्सपेक्टेंसी लाइफ है एवरेज की यानी जो जीवन प्रत्याशा है वो पचहत्तर दशमलव पांच वर्ष है और जो स्कूलिंग है वो टेन पॉइंट नाइन परसेंट है एवग एवग से और अधिक वर्ष के लोग जो है टोटल पॉपुलेशन के दस दशमलव नौ परसेंट लोग पढ़े हुए हैं जो एस रैंकिंग है वो छिहत्तर है ठीक है, है इंडिया से बेटर इंडिया सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी थ्री और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है छह हजार तीन सौ तिरपन रुपए तिरपन डॉलर है ठीक और यहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा है 2017 के अनुसार के अनुसार अड़सठ दशमलव आठ है, यानी है. यहाँ पे 25 से और उससे अधिक वर्ष के लोग कितने लोग पड़े हुए हैं तो 6.4 पॉइंट फोर परसेंट एस डी आई रैंकिंग वन हंड्रेड थर्टी म्यांमार द पर कैपिटल इनकम इज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट फ्रॉम बर्थ लिटरेसी रेट और स्कूलिंग पांच हजार तीन सौ इकतीस लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स पीपल हु Some kind of education they have is 25 and above 5.2 years, and SDI ranking is 150. Nepal, the per capita income is 2471, life expectancy is 70.6 years, and uh, schooling 25 or above 4.9 percent, SDI ranking 149. Bangladesh, 3000. 677 life expectancy rate 72.8 years, schooling is 25 or above 5.8, and STI ranking in the world 136. So, this is the table, and you have to answer what do you have to J G and I per capita income. G and I per capita income K Anusar Konsi country. जो है टॉप पर है ठीक है तो टॉप पर आप देख रहे हैं जीएनआई में जीएनआई विच वन इज जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम ठीक है सकल राष्ट्रीय जो आय है वो किसकी है श्रीलंका की ज्यादा है श्रीलंका और बॉटम पे कौन है तो बॉटम पे नेपाल है नेपाल हो जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा में आप कौन किसको देख रहे हैं श्रीलंका इज ऑल्सो ऑन द टॉप एंड लोवेस्ट स्तर पर कौन है तो हमारा जो नल्ला कंट्री है पाकिस्तान पाकिस्तान मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो स्कूलिंग ठीक है मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कम से कम स्कूलिंग की हो ट्वेंटी फाइव और उससे एव तो श्रीलंका टॉप पे है और म्यांमार और नेपाल ये दोनों देख रहे हो म्यांमार फोर पॉइंट नाइन एंड आल्सो नेपाल फोर पॉइंट नाइन ये दोनों बॉटम पे है एस डी आई रैंक एस डी आई रैंक में सबसे पहले नंबर पर कौन है तो श्रीलंका है और लोएस्ट पर कौन है पाकिस्तान है पाकिस्तान नंबर नेक्स्ट दोस द प्रोपोशन ऑफ एडल्टिफ्टीन फोर्टी नाइन ईयर्स टू फोर्टी नाइन ईयर विच बी एम आई इज बिलो नॉर्मल बी एम आई Is, uh, greater than तो यहाँ पे बी एम आई रेट दिया हुआ है और जिसमें जो है uh, कंपेयर करना, करना है यानी दिखाना है प्रपोर्शन करना है प्रपोर्सन दिखाया गया है एडल्ट के बीच में पंद्रह से उनचास वर्ष के लोगों के बीच में तो जो बीएमआई है वो नॉर्मल है और नॉर्मल जो बीएमआई होता है वो कितना है अट्ठारह दशमलव पाँच किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर भारत में है ये नॉर्मल से कम है इट इज़ बेस्ड ऑन ए सर्वे ऑफ वेरियस स्टेटस फॉर द ईयर टू थाउजेंड ये 2015 और 16 का सर्वे है ठीक है टेबल को देखिए केरला पॉइंट फाइव फीमेल टेन कर्नाटका 17 फीमेल ट्वेंटी वन प्रदेश ट्वेंटी एट फीमेल ट्वेंटी एट ऑल स्टेट्स ट्वेंटी एंड फीमेल ट्वेंटी जस्ट वन मिनट तो बी का मतलब क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स ठीक है और ये क्या होता है कि ये ऊंचाई और वेट मापने के संबंध में ये होता है ठीक है तो कंपेयर द न्यूट्रिशनल अब ये जो ऊंचाई और वेट मापा जाता है ये संबंधित किससे होता है तो वहां के खान पान से संबंधित होता है यानी किसी भी देश किसी भी राज्य के न्यूट्रिशन को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है तो कंपेयर द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ केरला एंड मध्य प्रदेश केरला और मध्य प्रदेश के न्यूट्रिशन लेवल को कंपेयर करिए एंड सेकंड है कंट्री आर अंडर न्यूट्रिस्ड और अंडर नरिस्ट इवन दो इट इज अर्ग्यूड दैट देयर इज एन फूड इन द कंट्री क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि हमारे देश में वन फिफ्थ लोग ऐसे हैं एक बटा पांच एक बटा पांच के आसपास भाग ऐसे हैं लोगों का पीपल का जो अंडर नरिस्ट के अंतर्गत आते हैं जबकि भारत में पर्याप्त मात्रा में भोजन मौजूद है ये बार बार चर्चा का विषय रहता है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स अपने शब्दों में व्याख्या दीजिए द रलास एट पॉइंट फाइव परसेंट टेन परसेंट मोनली वेर एज इन मध्य प्रदेश फीमेल्स मतलब जो अंडर नरिस्ट हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रियाज भोजन नहीं मिल पाता है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल पाता है केरला में मेल में जो केरला की टोटल पापुलेशन है वो 8.5 परसेंट है फीमेल में ऐसे लोगों की 10 परसेंट है जबकि मध्य प्रदेश में 28-28 परसेंट -28 है फीमेल और मेल दोनों इट इज थर्स क्लियर दैट द नंबर ऑफ अंडर नरिस्ट एडल्ट इन मध्य प्रदेश इज हायर देन इन केरला मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मध्य प्रदेश में अंडर नरिस्ट एडल्ट हैं वो केरला की के अपेक्षा ठीक है ज्यादा लोग हैं अर्थात मध्य प्रदेश में ज्यादा लोग कमजोर अवस्था में हैं ना तो उनको पर्याप्त मात्रा में समुचित भोजन मिल पाता है ठीक है न्यूट्रिय मतलब नरिस्ट भोजन नहीं मिल पाता है उनकी सेवा सत्कार प्राकृतिक रूप से या जो भी प्रकृति ने दिया है खाने पीने की चीजें को वो नहीं मिल पाती वन फिफ्थ ऑफ द पॉपुलेशन सेकेंड का आंसर है कंट्री आर अंडर इवन दो इट इज दिन फूड इन दंट्री बिकॉज तो पूरे देश की टोटल जनसंख्या का हमेशा चर्चा की जाती रही है कि भारत में एनफ फूड उपलब्ध है तो फिर भी लोग अंडर नरिस्ड हैं क्यों इसके निम्न कारण है दिस्पैर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रीन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ठीक है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से जनता के बीच में नहीं कर पाता है भिन्नता है, है उसमें न्यूट्रिशन फूड कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द पुअर पॉपुलेशन इन द कंट्री दूसरा कारण ये है कि भारत में जो न्यूट्रिशियस फूड हैं ठीक है थीके? उसको गरीब जनता अफोर्ड नहीं कर पाती है नहीं खरीद पाती है एजुकेशनल बैकवर्डनेस एजुकेशनल बैकवर्डनेस यानी जो अशिक्षा है यानी शिक्षा में जो पिछड़ापन है जनता के बीच में रिजल्ट्स इन अनइंप्लॉयमेंट, और ये मेन कारण बनता है अनइंप्लॉयमेंट का बेरोजगारी का बिकॉज ऑफ विच पीपल कैनाट अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ फूड और जिसके कारण से जो जनता है वो मतलब बेसिक फूड को भी अफोर्ड नहीं कर पाता ठीक है बेसिक फूड यानी बेसिक नेसेसिटी ऑफ़ फूड को भी अफोर्ड नहीं कर पाता यानी आप समझ सकते हैं कि जैसे हेल्थ बना रहे ये कुछ भी खा लेते हैं स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं और क्या चीज कब खानी चाहिए ये भी इस पर इस पर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं तो ये सारी चीजें हैं देर इज नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशन राशन एट द फिक्स्ड Price store, ठीक है फिक्स प्राइस स्टोर पर यानी जो कोटेदार होते हैं जहां पर कुछ कम में वो मिल जाता है राशन मिल जाता है तो वहां पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है राशन का ठीक है राशन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होना भी फिक्स प्राइस स्टोर पर यह भी एक कारण है ठीक तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर इन एसएसटी lesson number one development we will meet in the next lesson okay in the next lesson so if you have uh, understood the lesson please like it and do uh, also do your valuable comments that's why i will improve the video in the next lecture okay thank you bye bye jain Jai bharat